पुष्कर एक बहुत ही अंडररेटेड टाउन है ऑफ राजस्थान. यू आर गोइंग टू हैव द फन ऑफ योर लाइफ जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो. इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही बोहो बंजारन काइंड ऑफ आइटम्स, जो आपको दिल्ली में तो मिलेंगे लेकिन उससे बहुत यूनिक तरीके से यहाँ पे बने हुए ऑथेंटिकली हैंडमेड चीज़ें मिल जाएंगी. उसके अलावा हमारा लग्जरी स्टे एट अनंता भी दिखाऊंगी. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंक्शनिस विद भावना. मैं आई हूँ पुष्कर और ये मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ, तो मेरे को काफ़ी हद तक पता है कि व्हाट्स द वाइब, व्हाट्स द थिंग जो मेरे को देखनी है मार्केट में. बहुत ही हैपनिंग मार्केट है यहाँ पे. कुछ गोवा टाइप का स्टफ मिलेगा और कुछ राजस्थान टाइप का, कुछ गुजराती टाइप का, और राजस्थानी ऑथेंटिक लोग भी जा रहे हैं. ऑथेंटिक राजस्थान. हाँ, यहाँ पे काफ़ी ऐसी लेडीज भी दिखेंगी जो घूंघट में और बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में चलती होंगी. ऐसा आपको उदयपुर वगैरह में नहीं देखने को मिलेगा. यहाँ बड़ी रॉ वाइब आती है और सामान भी बड़ा ही डिफरेंट, जैसे कि लेदर बैग्स वगैरह मिलते हैं या जो बंजारन स्टफ होता है, बोहो बैग्स होते हैं, तो यहीं से बन के भी जाती हैं चीज़ें काफ़ी सारी. और खाने को भी लाफा फलाफल और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. तो चलो अब एक्सप्लोर करते हैं. राजस्थान इज पॉपुलर फॉर कैमल लेदर. यहाँ पर कैमल लेदर के बैग्स वगैरह मिलते हैं. What is what, lady bird? और आप फेक हो और आप फ्रिंज एलिमेंट हो. कुछ सिल्वर की ईयरिंग्स वगैरह भी मिल जाएंगे. उसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वो है जो कि बंजारन और बोहो मार्केट, जो हम गुजराती लेन में ढूंढते हैं दिल्ली की, वो यहाँ पर आपको घरों घरों के अंदर बनाते हुए दिखते हैं. और उसके अलावा यहाँ पर जो दुकानों में मिलेगा वो सामान उतना ही प्राइस होगा अप्रॉक्सीमेटली, बट फिर भी और ज़्यादा ऑथेंटिक पीसेस मिल जाएंगे जो बिल्कुल हैंड वोवन होंगे. अब मशीन का वर्क मिलने लगा है दिल्ली में, तो यहाँ पर अगर आपको ऑथेंटिक मिलता है तो यहाँ से ज़रूर परचेज़ करके जाना. यहाँ पे बोहो बैग्स वगैरह भी मिल जाएंगे, कुछ वॉल डेकोर के भी आइटम्स मिल जाएंगी, जैकेट्स वगैरह मिल जाएंगी, कुछ टेबल रनर्स और शॉल्स मिल जाएंगी, दुपट्टे मिल जाएंगे, स्कर्ट्स मिल जाएंगी, बहुत सारे आइटम्स थे बिल्कुल ऑथेंटिक. राजस्थानी लोग जब गुजरात की तरफ माइग्रेट करके गए थे तो वो अपना कल्चर और अपने इस हैंडवर्क को लेके गए थे, तो वहीं पर उसको कच वर्क कहा जाता है. वैसे तो ये कच वर्क नहीं, मोर ओवर राजस्थानी वर्क है जिसमें शीशे का काम और थ्रेड वर्क हुआ होता है, विद हैंड करा जाता था. अब मशीन के चीज़ें आने लग गई हैं. इनके पास कुर्ते भी थे पैच वर्क के साथ और वेलवेट में. बैक टू दिस शॉप आफ्टर वन ईयर. भावना के सब्सक्राइबर्स अरे कह रहे कस्टमर आते मेरी वजह से. मिनिमम कम से कम 10 कस्टमर आ चुके आपकी वीडियोस. अच्छा, इतने आ चुके सच में. बहुत बहुत थैंक यू. आपकी दुकान है वैसे अच्छी. हम तो आपका पेज फॉलो करते हैं. अब हाँ, वो भी देखते रहते हैं. हम लाइक भी करते हैं. मेरी सिस्टर हैंडल करती है फंकी रेसिपी भावना आपका. हाँ. और कैसे हो आप? ठीक है, बढ़िया है. हम ढूंढ रहे थे आपकी दुकान ही. हम रास्ता भूल गए थे असल में थोड़ा दुकान का. हाँ, पड़े हुए हैं, बहुत यूज करते हैं. हमारे जो ड्राइंग रूम में लगा रखा है हमने, यहाँ से जो लेके गए थे. हम यार कोई प्लांटर है क्या बड़े बड़े पॉट के लिए? हाँ, जूट का कोई दिखा दो. कलर और भी है क्या इसमें भैया? प्लांटर्स कम से ऑप्शंस नहीं है. अच्छा. सो ये शॉप जो है, मैं लास्ट टाइम भी गई थी और इनके पास और भी सामान आया हुआ है. ये ऑनलाइन भी डालते रहते हैं. onlinejute.com इनका पेज है. ये ब्रदर सिस्टर हैं जो पेज चलाते हैं और इनका मटेरियल बहुत ही अच्छा होता है. मैं एक टेबल रनर लाई थी इनके पास से और वो इतना अभी तक अच्छी तरह सर्वाइव कर रहा है वॉश होने के बाद भी, तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. हाँ, रूम के कितने का इनका ऑनलाइन स्टोर है? onlinejute.com ना. इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक दे दूंगी, फिर से दे दूंगी. पिछली वाली वीडियो में भी जाके पिछली कलेक्शन देख सकते हो. और बहुत सारी ऑप्शंस हैं. ऐसे वाले बैग्स हैं और कुशन कवर्स हैं. कुछ ऐसे वाले बैग्स भी हैं बहुत ही यूनिक टाइप के, बहुत ही ब्यूटीफुल है. और रनर्स हैं ऐसे.
यहाँ मिलती हैं कुछ लेदर में डायरीज और कुछ प्रिंटेड फैब्रिक की डायरीज, जो कि आई थिंक जो कपड़ा वेस्ट हो जाता है ना उससे डायरीज बनाई जाती हैं। उसके अलावा अगर आप शॉपिंग करोगे ना यहाँ पर, तो आपको कुछ भी सामान वो प्लास्टिक के उसमें नहीं देंगे, वो आपको कपड़े के बैग में देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी रिसाइक्लेबल चीज़ है। और जितना भी मैं शॉपिंग करके लाई वहाँ से, मुझे वही क्लॉथ बैग मिले। उसके बाद एक ये पर्टिकुलर स्टोर था जो ऑनलाइन jute.com जैसा था, लेकिन इनके पास ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आप पुष्कर जाके ही चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी बोहो कुशन्स और बोहो रनर्स और टेबल मैट्स वगैरह विद थ्रोज वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा और एक्सपेंसिव बोल रहे थे। और यहाँ पर लेकिन वैरायटी काफ़ी सारी थी इनकी शॉप पे, पर्टिकुलरली अगर आप जाते हो तो देख सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड ऑनलाइन jute.com वाली शॉप करूँगी, जो कि आपको अगर आप पुष्कर की स्ट्रीट पे चलोगे आपको आराम से किसी भी टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हो। नहीं तो आप उन भैया को कॉल कर सकते हो, मैं नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ऑनलाइन jute.com वालों की, तो आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो उनकी शॉप को लोकेट करने के लिए। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि म्यूज़िक राजस्थान में काफ़ी पॉपुलर है, राग वगैरह यहीं से मोस्टली घरानों से बन के निकलते हैं। एक और स्टोर मिला मुझे जहाँ पे बोहो बैग्स पड़े हुए थे, जिसमें लेदर फ्रिंज एलिमेंट्स कुछ फैब्रिक के ऊपर, और इनके पास कुर्ते और पजामे वगैरह भी थे, सेट्स भी थे जो कि खादी के मटेरियल में होते हैं। जेम्स एंड स्टोन राजस्थान में काफ़ी पॉपुलर है, यहाँ पर आप वाइब चेंज करने के लिए अपने घर के लिए ले सकते हो। गोवा की भी वाइब के लिए काफ़ी सारे क्लोथ मिल जाएंगे जो थ्रिफ्ट स्टोर जैसे वर्क करते हैं, और थ्रेड से बनाई हुई ऐसी टाइप की क्वर्की एलिमेंट्स, ये ज्वेलरी भी बहुत ही कूल लगती है मुझे। लाफा भी खा सकते हो आप, गंगा लाफा वाला, गंगा लाफा वाला। आपके घुंघरू टूट गए। यहाँ पे म्यूजिक का भी काफी कुछ होता है, तो म्यूजिक और डांस का सिखाते भी होता है। ड्रम भी है, ड्रम भी है। अच्छा, दिस इज लुकिंग नाइस। यूनिक प्रिंट्स में शर्ट्स मिल रही थी फॉर मेन, और ड्रेसेस और टॉप्स क्रॉप टॉप्स वगैरह मिल रहे थे विद फ्लेयर स्लीव्स एंड ऑल, वो सब मिल रहे थे यहाँ पे 300 रुपीज़ या 400 रुपीज़ के। और ये बोहो जैकेट्स वाली शॉप तो एक दो और भी मैंने आइडेंटिफाई करी। डिफरेंट और यूनिक चीज़ है यहाँ पे। पिछली बार हमने गंगा लाफा फलाफल से रोल खाया था। हाँ, ये कितने की है जैकेट? 700। कहाँ अंदर है? अभी वापसी में देखूंगी। बोहो हिप्पी वाली वुलन शर्ट्स मिल रही थी, जो कि आप यूनिसेक्स की तरह यूज़ कर सकते हो इसको मल्टीपल वेज में। आजकल तो H&M और ज़ारा पे भी ऐसे प्रिंट्स और वुलन टाइप की शर्ट्स आ रही हैं। उसके अलावा ड्रेसेस, ऐसी फ्लेयर वाली ड्रेसेस जो कि बहुत ही बोहेमियन वाइब देती हैं, अगर आप इसके साथ फेदर्स वगैरह पहनोगे तो बहुत ही कूल लगेगी। और कुछ शॉप्स ऐसी थी जिसमें राजस्थानी प्रिंट्स वाले ब्लॉक प्रिंट वाली चादरें और पिल्लो कवर्स, मैट्स और शॉल्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं। बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें मिल रही थी। और उसके अलावा यहाँ पर एक शॉप दिखी मुझे जहाँ पे दुपट्टों की और होम डेकोर आइटम्स की और बहुत बड़ी कलेक्शन थी, और बहुत यूनिक थी क्योंकि इनके पास इंडियनाइज प्रिंट्स वाली चीज़ें भी थी और कुछ बहुत ही यूनिक वेस्टर्नाइज फॉर्म में भी थी, जैसे फ्रीडा कहलो टाइप की चीज़ें, और कुछ ऐसे स्टूल्स थे जो इन राजस्थानी स्टाइल के चलते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। ये पिलो कवर्स कह रहे थे 600 रुपीज़ के, एंड इनके पास इंडियनाइज प्रिंट्स में भी थे और कुछ और दुपट्टे और साड़ियाँ भी थी। वुलन हिमाचली स्टाइल के इनके पास शॉल्स और हैरम पैंट्स और ऐसी जैकेट्स भी थी जो बहुत कूल लगती हैं, और मोस्टली फॉरनर्स दिखते हैं ऐसी चीज़ें पहने हुए। और ये कुछ बहुत ही ग्रंजी टाइप की यूथ के लिए टी शर्ट्स। फेदर इयररिंग्स हैं, यहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर अच्छे लोगों पे अच्छे लगते हैं, यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे। दिल अच्छा होना चाहिए ऐसी चीज़ें पहनने के लिए। ठीक है, सिर पे लगाने का चोकर।
Oh, I know, I've seen this. Yeah. So cool. Pirates of Rajouri Garden. पूरे वालों को पीछे से अच्छा लग रहा है ले लो अरे ले लो जब अच्छा लग रहा है तो इतना अच्छा ये कश्मीरी स्टॉल था शॉप थी जहाँ पर कश्मीरी टाइप के बैग्स और ऐसे प्रिंटेड टाइप के स्टील में यूटेंसिल्स मिल रहे थे जो कि कैंपिंग के काम आते हैं. मेरे पास ऑलरेडी थे ये, मेरी मॉम गोवा से लाई थी और आई वाज सरप्राइज्ड कि पुष्कर में भी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं. इनके पास बॉटल्स वगैरह भी थी और यूटेंसिल्स और टाइप के भी थे जो जैसे टिफ़िन हो गया या केटल हो गई और वो सब 600 रुपीज़ के. प्राइस रेंज 150 से लेके 600 तक था. उसके बाद इसी के साथ एक शॉप थी जहाँ पर ये लाजपत नगर वाली बहुत ही पॉपुलर चप्पल्स और जूतीज मिल रही थी जिसमें ज्वेलरी ऑक्सीडाइज लगी होती है और वो काफ़ी सुंदर लगती हैं. तो यहाँ मुझे लगता है कि यहीं से जाता होगा ये वाला टाइप का ट्रेंड. और बहुत ही इसमें कैमल लेदर भी मिलता है लेकिन अगर आपको कैमल लेदर नहीं चाहिए तो नकली वाली भी मिलती है. पुष्कर राम जी की दुकान कितने के है ये? 20 रुपए का एक माल जो है और सच में बहुत टेस्टी है. गुलाब जामुन से बेटर है. मुझे एंटीक डेकोर वाली आइटम्स बहुत अच्छी लगती हैं और यहाँ पर ऐसी एंटीक आइटम्स वाली चीज़ें मिल जाती हैं जो कि 500-600 रुपीस से स्टार्टिंग प्राइस होता है. एक बहुत ही फंकी रिक्शा मिला है. तो आ रही है ना काफ़ी हिप्पी बोहो वाइब. बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हो रही ना कि कहाँ मिलेगा बोहो सामान. अगर आप राजस्थान के इस पुष्कर जा पाओ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर ये बोहो आइटम्स की 4-5 शॉप्स मिलेंगी आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड ऑफ द मार्केट. तो इनको एक्सप्लोर ज़रूर करना और स्पेशली ऑनलाइन जूट पे जाके मेरा नाम ज़रूर देना क्योंकि आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिल सकता है. और ये पार्किंग के पास ही एक और शॉप थी जहाँ पे बोहो बंजारन वाली चीज़ें मिल रही थी. हम आए पुष्कर में तो यहाँ पे आए हैं नारायण कैफे. यहाँ पर कूल वाइब्स आ रही हैं तो गाइस हम आए पुष्कर कैफे. हम हैं नारायण कैफे. मॉर्निंग टाइम हो रहा है 8:30 के अराउंड तो कुछ कैफेज नहीं भी खुले होते. ये थोड़ी स्लो से पुष्कर मार्केट के अंदर. दोबारा हम पुष्कर मार्केट के अंदर. बहुत इरिटेट कर रहे हैं. हम पुष्कर मार्केट के अंदर नारायण कैफे के अंदर आए हैं और अभी 8:30 के अराउंड टाइम हो रहा है मतलब मॉर्निंग टाइम और मार्केट बिल्कुल बंद है. लेकिन मैं आपको मार्केट पहले दिखाऊंगा उसके बाद मैं ये कैफ़े दिखाऊंगी कि ब्रेकफास्ट हमने कहाँ किया. एंड यहाँ पे ना फलाफल और वो सब चीज़ें मिलती हैं वो भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ मिल रही है एंड क्या क्या मिल रहा है. और ब्रेकफास्ट इज हियर. दिस इज बीटरूट. मोर इज कमिंग. बीटरूट ऑरेंज जूस एंड सम टोस्ट एंड सम फ्रूट सैलेड एंड मोस्टली विल ऑल्सो कम. ऐसी अगर हम खाएं तो आप नाश्ता वाश्ता कर लिया है. अब हम जा रहे हैं घाटों पे जहाँ पे पुष्कर लेक है. और पिछली बार जब मैं पुष्कर आई थी तो मैंने लेक नहीं एक्सपीरियंस करी थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था और मैंने मार्केट एक्सप्लोर करके एक वीडियो दिखाई थी वो मैं नीचे लिंक कर दूंगी वो ज़रूर देख लेना. पुष्कर में जो पुष्कर लेक है अभी हम वहाँ आए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल पीसफुल है और इसको आई थिंक होली रिलीजियस प्लेस माना जाता है इसलिए हमें पैरों नंगे आना पड़ा. पैरों को नंगा करना पड़ा. बट कुछ बताओ ना इस लेक के बारे में कुछ बताओ कुछ ज्ञान दो जो आप हिस्ट्री के बारे में बताइए कुछ. वो मैं वॉइस ओवर में कहीं से लेकिन अभी मुझे वो सब नहीं आता. So मैं आपको पुष्कर के बारे में कुछ ब्रीथ लेट मी टेल यू. पुष्कर की फील क्या है. पुष्कर बहुत ना रूरल रॉ टाइप ऑफ फील है बट आपको ऋषिकेश गोवा और बहुत सारी ऐसी धर्मशाला टाइप ट्रिपी वाइब भी है यहाँ पर. ट्रिपी आई डेंट आस्क यू टू डू दैट. तो आपको मिक्स ऑफ जगह मिलेगी मतलब मिक्स ऑफ ऐसी फील और वाइब मिलेगी. उसके अलावा आपको पीसफुल जगह मिलेगी. ऐसे उदयपुर टाइप की फील आ रही है क्योंकि उदयपुर में भी ऐसी थोड़ी बहुत हिल्स दिखती हैं और लेक दिखती हैं. Wow, what a beautiful place. और खाने का जो स्टफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ पे कैफेज बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे हैं. कैफे
क्या लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ आई हूँ। लंकावी का ऐसा था, बिल्कुल एक्साइटेड। वी हैव कम टू आवर स्टे एट अनंता लग्जरी रिजॉर्ट एंड स्पा। इट्स 5-star एंड गुड रेटिंग्स। सो अनंता स्पा एंड रिजॉर्ट्स का जो रूम मिला हमें वो उन्होंने अपग्रेड कर दिया जब हमने उनसे पर्सनली बात करी, और ये रूम हमें लग्जरी वाला उन्होंने दिया, लेकिन आई विश कि इसमें माउंटेन व्यू थोड़ा बेटर होता। बट पूल साइड बहुत ही अमेजिंग थी, अगर अप्रैल मार्च में जाओ तो यू कैन टेक अ डुबकी इन द पूल, एंड बिल्कुल बाली वाली फील थी यहाँ पर। अनंता की टूर कर रहे थे एंड हमने देखा कि विलाज हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, और इन्होंने अभी फाउंटेन चलाया और सन डाउन हो चुका है, तो लाइटिंग इतनी डिफरेंट और यूनिक सी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है किसी यूरोपियन कंट्री में। और ये कॉबल स्ट्रीट है, देखो कैसा लग रहा है ये, वैसे लग नहीं रहा इंडिया में इस टाइम पे। सच में अमरूद है, अमरूद, ये अमरूद है हाँ, छोटी छोटी चीजें अमरूद। इवनिंग टाइम भी हमने पूल साइड ही इंजॉय किया, और उसके बाद अगले दिन हम निकल गए डेजर्ट देखने जो कि आसपास था और बहुत ही ब्यूटीफुल था। आएगा अभी साइकिलिंग करते हुए और उनकी शॉट ली जाएगी। सो अनंता में अगर आप जाते हो तो बच्चों के लिए भी बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हो। इवन तो ये डेजर्ट है लेकिन यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी क्रिएट कर रखी है, और यहाँ पे वॉक्स करना बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके अलावा जिम है इनके पास, और टीटी टेबल और फुटबॉल टेबल भी है। तो लोहड़ी भी मनाने को मिल गई मुझे अनंता रिजॉर्ट्स एंड स्पा में, क्योंकि 13 जैन था तब और काफ़ी ठंड थी, तो एक आधा भंगड़ा मैंने भी पा लिया। बाय बाय टू दिस धूप, क्योंकि दिल्ली में सुनने में आए कि कोल्ड वेव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, एंड बाय टू दिस बाली लुकिंग टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विद पूल एंड विद ग्रीनरी अमिड्स द डेजर्ट विच इज़ अमेजिंग। ऊपर से स्टाफ भी बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत रिलैक्सिंग और लग्जूरियस था, एंड अमेजिंग। टू डेज वर अमेजिंग एट दिस प्रॉपर्टी।